नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का टेक्निकल शिवांशु यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जियो की तरफ से आ रही एक गुड न्यूज के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट कर लेता हूं और आप लोगों को बता देता हूं कि जियो की तरफ से आ रही एक गुड न्यूज क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बता दूं कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि चैनल पर आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जियो ने अपना एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जो कि है जियो POS लाइट। यहाँ पर आप लोग ये एप्लीकेशन देख सकते हो। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक मिनट, डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को मैं इस एप्लीकेशन और इसका जो साइन अप प्रोसीजर होने वाला है उसके बारे में बता देता हूँ और ये एप्लीकेशन काम क्या आने वाला है वो आप लोगों को मैं पूरा बता देता हूँ। तो चलिए, उसके लिए मैं आप लोगों को पहले इसका साइन अप प्रोसीजर समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों को ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप लोग देख सकते हो वेलकम टू जियो POS लाइट। यहाँ पर आप लोगों को इसको कुछ परमिशंस देनी है। इंस्टॉल करने के बाद में जब आप इसे ओपन करोगे, तब जैसे ही आप इसे अपनी सारी परमिशंस अलाउ कर देते हो, उसके बाद में आप लोगों को कुछ ये ऐसा साइन अप और साइन इन का प्रोसीजर वाला पेज दिखाएगा। देन अगर आप लोग एक जियो यूजर हो तो आप लोग सीधा साइन इन पे क्लिक करके इसमें साइन इन हो सकते हो, अदरवाइज आप लोग साइन अप वाले प्रोसीजर पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोग साइन अप पे क्लिक करते हो देन आप लोगों से ये आपका ईमेल और आपका जियो नंबर पूछेगा और उसके बाद आप लोगों को OTP वेरीफाई करवाने के बाद ये आप लोगों से आपका नेम, आपकी लोकेशन और आप लोगों से MPIN मांगेगा। उसे देने के बाद में आप लोग जो है ऐप में एंटर हो सकते हो। और अगर आप लोग यहाँ पे नीचे साइन इन पे क्लिक करते हो देन आप लोगों को जो है आपका जियो नंबर डालना है। देन OTP वेरीफाई करवाने के बाद सेम आप लोगों को आपका नेम, आपका मेल ID और आपका लोकेशन देने के बाद में आप लोग ऐप में एंटर हो सकते हो। अभी दोस्तों, ये तो हो गया इसका साइन इन और साइन अप प्रोसीजर। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को ऐप में लेके चलता हूँ और वहाँ पर बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन आप लोगों के काम क्या आने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को जियो POS लाइट एप्लीकेशन में ही चल के बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के क्या क्या यूजेस हैं और आप लोगों की ये एप्लीकेशन काम क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है जिसमें आप लोगों को फर्स्ट में सेल का आइकन दिख जाता है, देन आप लोगों को रिचार्ज और माई अर्निंग्स के दो बटन दिखाई दे जाते हैं और नीचे आप लोगों को लोड मनी और पासबुक देखने को मिल जाती है। देन आप लोगों को नीचे इनके रिचार्जेस और जो लेटेस्ट ऑफर चल रहे हैं उन सभी के पैम्पलेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और नीचे आप लोगों को जियो केयर, इनका FNQ देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ ये एप्लीकेशन काम क्या आता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि देश में अभी लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है और अगर आप लोग एक मोबाइल रिचार्जेस वगैरह की शॉप चलाते थे तो अभी आप लोगों को पता होगा कि सारा कुछ जो है देश में ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जियो ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके ज़रिए अगर आप लोग इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करते हो और लोगों के रिचार्जेस वगैरह करते हो, जियो या अदर नंबर का मैं अभी बता नहीं सकता आप लोगों को, हाँ पर जियो नंबर को अगर आप लोग रिचार्ज करते हो चाहे अमाउंट कोई सा भी हो तो उस पर आप लोगों को 4.166 का कमीशन मिलने वाला है पर रिचार्ज, चाहे वो कोई सा भी हो। अभी दोस्तों आप लोग कहोगे कि जो माई जियो एप्लीकेशन होता है जियो का, उसमें भी हम लोग जो है अदर नंबर पे भी रिचार्ज कर सकते हैं और खुद के नंबर पर भी रिचार्ज कर सकते हैं, तो इस एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा। यहाँ पर दोस्तों ये एप्लीकेशन जहाँ तक मुझे लगता है नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैं इसका एक माइनस पॉइंट बता दूं कि जैसे ही आप लोड मनी पे क्लिक करते हो आप लोगों को यहाँ पर जो है 100 रुपये का अमाउंट लोड नहीं करने दिया जाता। जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है 100 रुपये अमाउंट दिया, देन अगर मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि मैं जो है 1000 रुपये या उससे ज़्यादा का अमाउंट ही यहाँ पर लोड कर सकता हूँ। और नीचे आप लोग देख सकते हो कि 100 रुपये पे आप लोगों को जैसा मैंने बोला 4.166 का कमीशन मिलने वाला है, तो ये कमीशन आप लोगों को लोड मनी पर भी मिलेगा और अगर आप लोग रिचार्ज वगैरह इनिशिएट करते हो तो उस पर भी देखने को मिलेगा। हाँ पर ये एप्लीकेशन मुझे जो है नॉर्मल यूजर के लिए नहीं लगता है कि ये आप लोगों के भी किसी काम आने वाला है। तो अगर आप लोग एक मोबाइल रिचार्ज की दुकान वगैरह चलाते हो, आप लोग डेली जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का रिचार्ज इनिशिएट करते हो, तो ये ऐप आप लोगों के लिए बेस्ट है,
क्योंकि अभी आप लोग लॉकडाउन में अपनी दुकान भी नहीं खोल सकते हो, यहाँ पर आप लोग घर बैठे जो है इस एप्लीकेशन के जरिए रिचार्जेस वगैरह कर सकते हो, देन आप लोगों को जियो की तरफ से इस पर कमीशन हमेशा मिलता रहेगा। और दोस्तों यहाँ से आप लोग जो है आपकी पासबुक चेक कर सकते हो कि आप लोगों ने जो है कितने रिचार्जेस वगैरह अभी तक कर दिए हैं। देन ऊपर वाले जो माई अर्निंग्स का बटन है उससे आप लोग जो है जितने भी रिचार्जेस पे आप लोगों को अर्निंग हुई है वो सारा कुछ चेक कर सकते हो और यहाँ से आप लोग रिचार्ज कर सकते हो। और जिसके बारे में जहाँ तक मुझे लगता है ये पर्टिकुलर जो है जियो नंबर के लिए ही बना है। चलिए मैं आप लोगों को 3 लाइन्स पे क्लिक करके बता देता हूँ कि इनके अदर बटन्स जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जियो POS लाइट, देन आप लोगों को नीचे आपके नंबर दिखाई दे जाएंगे, देन आप लोगों को PRM ID आपकी दिखाई दे जाएगी जो आप लोगों को साइन अप या साइन इन करते वक्त मिली थी, और नीचे आप लोगों को लोड मनी, रिचार्ज, MPIN अगर आप लोगों को चेंज करना है तो उसके लिए 2 बटन्स देखने को मिल जाते हैं। देन अगर आप लोग जो है इसमें अपने कस्टमर्स क्रिएट करते हो जो आप लोगों से हमेशा रिचार्जेस वगैरह करवाते रहेंगे तो उनका आप लोगों को एक अलग से टैब देखने को मिल जाएगा। देन आप लोगों को माई अर्निंग्स एंड FNQ और इनका लॉगआउट का बटन देखने को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में तो मुझे आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में ही बताना था। अगर आप लोगों की एक मोबाइल रिचार्जेस वगैरह की शॉप थी तो आप लोग ज़रूर से इस एप्लीकेशन को यूज कीजिए और लॉकडाउन में घर बैठे पैसे कमाइए। तो बस दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।